नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। लोकसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं बालासोर से सांसद और मोदी कैबिनेट में एमएसएमई एवं पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सड़ंगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सलाम। वर्ष 2019 में आप जीत कर आए, मोदी कैबिनेट में आपको एक अहम पद मिला। एमएसएमई एक बड़ी जिम्मेदारी है, गांधी जी का 150वां वर्षगांठ चल रहा है और महात्मा गांधी खादी के हमेशा से साथ रहे, खादी की उन्होंने बात की, भारत में जो चीज बनती है उसको हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया, एमएसएमई के अंदर ही खादी भी आता है, तो खादी ग्रामोद्योग के लिए आपने क्या कदम उठाए? पहले तो हम भी खादी का उपयोग करते हैं, मेरे घर में सारा बेडशीट ड्रेसेस खादी का है, खादी का प्रचार भी करते हैं। और मैं मानता हूँ अगर ये जो सर्व शिक्षा में जो बच्चों को जो ड्रेसेस दिया जाता है ये भी खादी की होनी चाहिए, ये होने से भी देश का बहुत कल्याण होगा। खादी को सिर्फ एक प्रोडक्शन मटेरियल हम नहीं मानते हैं, खादी को इस देश का आजादी का सूत्रधार मानते हैं, हमारा स्वाभिमान का प्रतीक। ये जागरूकता अगर हम पैदा करेंगे देश की जनता में तो उनको कानूनी बाध्यता के अतिरिक्त प्रेम से वो खादी को अपनाएंगे और इसके द्वारा देश का आर्थिक कायाकल्प हो सकता है। गांधी जी का विचार था नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाई मासेस इज द सॉल्यूशन टू आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, अमेरिका देश का जो व्यवस्था होगी भारत में ऐसा नहीं चलेगा, भारत में करोड़ों हाथ को काम चाहिए, इसलिए अगर ऐसा यंत्र के द्वारा काम किया जाएगा बाकी लोग जो बेकार बना देगा ही नहीं। आम आदमी का दैनंदिन की जो जरूरत है इसको इसकी आपूर्ति के लिए हमको छोटे कुटीर उद्योग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और करोड़ों हाथ को इससे रोजगार मिलेगी। और उस जमाने में भी लगभग 300-400 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ था गांधी जी के समय में, जो खादी ग्रामोद्योग का जो महिला संगठन बना इसके द्वारा हुआ था और आज इसका भी पुनरुत्थान बहुत जरूरी है। खादी के अलावा अगर मैं बात करूं और गांधी जी की बात पर रहूं, गांधी के विचार पर रहूं, तो गांधी हमेशा बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी के धुर विरोधी थे। वो हमेशा ये कहते थे लघु और जो मझोले उद्योग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। तो अगर आज की बात करूं तो लोग हमेशा बड़ी मशीनरी चाहते हैं ताकि कम लोग हों, तो ऐसे में एमएसएमई क्या कर रहा है? एमएसएमई में हम लघु उद्योग की प्रमोट करने के लिए कई योजनाएं किया है, जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री था लेकिन तांबे का, पीतल का और बाकी सारा धातुओं का जो बर्तन, जो शिल्प कला है, जो हैंडीक्राफ्ट है और जो नापीत का जो काम है और मोची का काम है, इस सब के लिए हम किट देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, फिनांस भी करते हैं। और जैसा वो पेपर प्लेट वगैरह बनाने के लिए, वैकरी के लिए और गांव में मधुमक्खी पालन के लिए एक एक परिवार को 10-10 बक्सा दे करके उनको प्रशिक्षण देते और उनका हनी प्रोसेसिंग यूनिट करके फिर उनको मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था करते हैं। और ये जो कुम्हार चक है जी, जो गांव में जो कुम्हार वो चक को घुमाने में उनको बहुत परिश्रम होता है, अभी हम इलेक्ट्रिक चक देते हैं जिसके द्वारा वो अल्प परिश्रम में ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। और चरखा भी देते हैं, सोलार चरखा की भी एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, एक दो बार परीक्षण हुआ है और इससे एक महिला 4 चरखा एक साथ चला सकती है। गांव में बैठे बैठे ये सब काम करते करते कुछ उपार्जन करके अपना परिवार को वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है। ऐसे कई लघु उद्योगों को हम प्रोत्साहन देते हैं और हमारा स्कीम में जो सब्सिडी है वो भी उनको उपलब्ध होता है जी। और हमारा कानून है कि 25% लघु उद्योगों से खरीद करना है जी, पहले ये 15% था, हमने अभी 20% किया और इससे भी उनको बढ़ावा मिलता है। और 1 करोड़ तक राशि को 1 घंटा में लोन एप्लीकेशन को इन प्रिंसिपल अप्रूव करना, इसके लिए हमें एक पोर्टल बनाया है। ये लोन की जब बात आई है और पोर्टल की आप बात कर रहे हैं तो एक साथ में मैं एडिशन और चाहूंगी, अगर किसी ने स्टार्टअप करना हो, कोई लघु उद्योग छोटा उद्योग वो सोच ही रहा हो अभी कि वो स्टार्ट करे और ऐसे में वो बैंक के पास जाए अगर लोन के लिए, तो बैंक बहुत इजी नहीं होते उन्हें लोन देने के लिए? इजी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं इनकी मानसिकता 2 कारण से होता है, एक है उनके मन में जो स्थानुता है आगे बढ़ने का, रिस्क लेने का, ये नहीं है वो अपना पेंशन मिलेगा कैसे, नौकरी से अच्छा से विदा होगा, यही उनका ध्येय।
दूसरी बात है, कोई एनपी हो गया जिसको जिसके लिए उनको सर्विस में कुछ तकलीफ उठाना पड़ा पास्ट में, इसके कारण उनके मन में ये रूढ़िवादिता आ गया। इसलिए हम काउंसलिंग करते हैं, बैंकों को बुला करके भी वर्कशॉप करते हैं, और कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम करके डायरेक्ट हियरिंग करते हैं, डायरेक्ट लोन भी बांटते हैं पाकिस्तान में जो सेंक्शन लोन है। और एक बैंक ने तो ऐसा डेवलप किया है जो 30 सेकंड में लोन एप्लीकेशन को अप्रूव करता है जी। मैंने खुद दिखाया अकाउंट को पैसा है, फिर इसके बावजूद भी जो सारा व्यवधान है जी, इसको दूर करने के लिए हम औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से बहुत कुछ करते हैं। और एक व्यवस्था अभी हम प्रयोग करने वाले हैं कि एक जो संपूर्ण लोन अमाउंट की राशि जी उनका 1.5% इंश्योर करने से वो कंपनी के द्वारा इंश्योर हो जाएगा, और होने से इस सारी राशि को बैंक दे देगा। अगर ये राशि देने के लिए वो असमर्थ हो जाता है तो सरकार ये प्रीमियम देगा, ऐसा व्यवस्था हम चालू करेंगे जी। ऐसी व्यवस्थाएं आप चालू कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो जैसे आपने बताया कि बैंक 30 सेकंड में लोन दे देगा या बहुत जल्दी लोन अप्रूव हो जाएगा, तो ऐसी चीजों की जानकारी उन लोगों तक कैसे जाए, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था? ये बहुत बड़ा माइक्रोस्कोपिक प्रयोग है, सिर्फ एक बैंक ने ऐसा किया है जी। बाकी सारे बैंक एक घंटा में अर्थात 59 मिनट्स में इन प्रिंसिपल लोन अप्रूव होगा, बाकी सारा फिजिबिलिटी जांच करके फाइनेंस रिलीज होने के लिए कुछ समय लगेगा जी। ये जानकारी देने के लिए हमारा जो वेबसाइट में तो ये जानकारी मिलता है, बाकी हम लोग विभिन्न गणमाध्यमों के द्वारा इसका प्रचार करते हैं, और बाकी ये हमारा जो DIC सेंटर है हर जिला में, वो जैसा MSME काउंसिलिंग सेंटर के लायक काम करता है, इसमें ही सारा जानकारी उपलब्ध होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं ऐसा कोई यूनिट की व्यवस्था करेंगे जिसके द्वारा ये जानकारी सब लोगों को उपलब्ध होगा। अब लघु उद्योग है वो बहुत मैनुअल काम है, लोग ज्यादा मैन पावर यूज करते हैं रादर देन मशीन पावर, लेकिन अगर आजकल के युग की बात करूं तो सब कुछ टेक्नोक्रेट है, तो क्या कुछ टेक्नोलॉजी को हम MSME के साथ जोड़ते हुए कुछ आगे कदम बढ़ा रहे हैं? हमें कई टेक्नोलॉजी को MSME के साथ जोड़ते हैं, जैसा कि खाद्य प्रक्रियाकरण एक मंत्रालय है, हमारा डिपार्टमेंट भी खाद्य प्रक्रियाकरण हो सकता है, हम इनके साथ समझौता करके इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि फैशन डिजाइनिंग होता है, हमारा खादी है वो इसको युगोपयोगी बनाना है, इसको अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो इस रूप में जाने से नहीं चलेगा, इसलिए फैशन डिजाइन यूनिट के साथ हमारा MOU करके हम खादी को कैसे विश्वप्रिय करेंगे, मॉडर्न रुचि के साथ इसको कैसे आगे ले जाएंगे, इसकी बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताते हैं, मुझे बहुत हर्ष होता है जी। एक अरुंधति नामक महिला, उड़िया महिला, एक बार फ्लाइट में मेरे को मिली, वो आकर के मेरे को बोली कि आप तो प्रताप सड़ंगी हैं। मैंने बोला हाँ। वो बोली कि देखो मैं अमेरिका में रहती हूँ, वो शास्त्र पुराण की चर्चा करने लगी। मैंने बोला पुराण चर्चा तो तुम्हारा दक्षता है मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे बताओ तुम अमेरिका में क्या करते हो, पति नौकरी करते हैं क्या? नहीं नहीं, पति का बिजनेस अलग, मेरा बिजनेस अलग है। और मुझे बहुत आनंद हुआ जो वो बोली कि पति उनका IT बिजनेस करते हैं और वही कपड़ा की बिजनेस करते हैं। उड़ीसा में कई गांव में खादी वस्त्र को लेकर के, साड़ी को लेकर के, वो एम्ब्रॉयडरी करके उनको बेचा है, और वो आनंद में बोली कि मेरा जीवन में सबसे अच्छी कीमत मेरे को मिला, हाईएस्ट रेट एक इंटरनेशनल मार्केट में, जो 4.5 लाख रुपया में मैं एक साड़ी को बेची। अच्छा, 4.5 लाख? 4.5 लाख। मैंने तुरंत उनको बोली इससे कितना भाग वो बुनकर को जाता है, मैं तब आनंदित होऊंगा जब इनको 70% कम से कम मिलेगा। ऐसी विषय में तुम सोचो, मतलब मैं जरूर सोचूंगी और इस दिशा में मैं काम करूंगी, उनको कैसे एम्पावर करना पड़ेगा और इसका सिंह भाग उनको कैसे जाएगा। मैं क्योंकि ज्यादातर देखने में यही होता है, जो बुनकर होते हैं, जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, उनके पास 2 या 3% भाग भी नहीं जाता, और जब वो मार्केट में आता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो क्या आपकी तरफ से ऐसा भी कोई कदम उठाया जा रहा है कि जो डायरेक्ट जो मार्केट में उन लोगों के द्वारा प्रोडक्ट्स? हाँ, ये कई संस्थाओं के साथ हमने MOU किया है, और ये इंटरनेशनल मार्केट एसेस करने के लिए, जैसे हमारा बुनकर को डायरेक्ट लाभ मिलेगा, इस दिशा में भी हम मैकेनिज्म बनाने वाले हैं। हमारा डिपार्टमेंट इसे गंभीरता से सोच रहे हैं, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी इस दिशा में सोच रहे हैं। ये इस विषय में कई चर्चा हो गई है, और मार्केट एसेसिबिलिटी के लिए हमको बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और जब तक इसका गुणवत्ता विश्व स्तर का नहीं होता है तब तक ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इसलिए
हमने कई संस्थाओं के साथ एमओयू करके और कई फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट के साथ यूनिवर्सिटीज के साथ हम एमओयू करके इसको आगे ले जाए। जी, ये तो सारी आपकी मंत्रालय की बातें रही, लेकिन अब आते हैं आपकी पॉलिटिकल लाइफ पर जहाँ से आपने शुरुआत की। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 2004 की हम बात करें, तो नीलगिरी के गोपीनाथपुर के घर के बाहर बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगा है, कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं तो कुछ लोग मिन्नतें मांग रहे हैं कि उस घर में रहने वाली एक वृद्ध महिला इस बात से हामी भर दे कि उनका बेटा विधायकी के चुनाव के लिए जा सकता है। माता जी खिलाफ थी। नॉर्मली हम बैकवर्ड मार्च नहीं करते हैं, फिर भी आप एक स्मरण दिलाते हैं जी। वो माता जी बिल्कुल खिलाफ थी, वो सैकड़ों हमारे कार्यकर्ताओं को माता जी साफ साफ इनकार कर दिया, और 3-4 दिन के प्रयास के बाद ऐसा यज्ञ हमारे घर पे नहीं हुआ, वो नीलगिरी में कोई जगन्नाथ मंदिर में हुआ था जी। और फिर बाद में माता जी का सम्मति मिली और इसके बाद मैं आने को तैयार हुआ जी राजनीति में। ये बिल्कुल राजनीति, लेकिन उन्होंने आपके साथ एक प्रॉमिस लिया था कि आप राजनीति में जाएंगे तो हमेशा ईमानदारी से रहेंगे। क्या कुछ ऐसा मामला रहा, क्या उनकी ऐसी सोच थी कि यहाँ पर ईमानदारी नहीं रहती? नहीं, माता जी का तो यही सोच था, क्योंकि उन्होंने मेरा पूर्व एक दो विधायकों का दृष्टांत देते हुए कही जी कि कोई घोटाला किया है, पैसा ले लिया है, नौकरी नहीं दिया है, ऐसा कुछ काम किया है, और इसलिए मेरा मन में ये पीड़ा है कि तुम अगर हमारे घर में बैठो ये मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम राजनीति जाकर के अगर इस दिशा में तुम्हारा पतन हो जाएगा तो मुझे बहुत पीड़ा होगी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। और आप उसी ईमानदारी के साथ आप 2004 में आप विधायकी का चुनाव जीते, 2009 में भी आप जीते, लेकिन उस समय कहा जाता है कि 2004 में तो आप बीजेपी के टिकट पे जीते थे, लेकिन 2009 में आपने टिकट घुमा दी थी और आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आए थे। मेरा असावधानता के कारण वो टिकट कहीं खो दिया जी, और एक बैग में मैं ले आया था पार्टी ऑफिस से जी, और वो टिकट को उसी दिन ढूंढा जिस दिन वो नॉमिनेशन फाइल होने वाला था। इससे पहले एक दिन मेरे एडवोकेट भी मेरे को बोला था वो टिकट कहाँ है, मैंने बोला टिकट घर में होगा या कार्यालय में होगा, लाओ ले आऊंगा, मैं भूल गया। फिर जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एक शोभा यात्रा निकला, लगभग 15-20 हजार लोग और एक रथ सजा करके लाए थे मेरे को जाने के लिए, एक मुकुट भी बनाए थे। वो मेरे को किसी ने बोला तुम पहले जा करके नॉमिनेशन फाइल कर दो, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है, 1 बजे के अंदर अंदर तुम कर दो, बाद में प्रशासन में जाकर दोबारा और एक्सेप्ट करोगे। तो एक मोटरसाइकिल में हम चले गए, जाकर के जब सारा पेपर दाखिल किया तो सब कलेक्टर रिटर्निंग अफसर थे, उन्होंने बोला कि आपका सब तो डॉक्यूमेंट है लेकिन टिकट कहाँ है। तो मैं तुरंत टिकट ढूंढने के लिए घर को चला गया, घर में देखा नहीं, फिर कार्यालय गया, कार्यालय में नहीं, सारा वो जो फाइल जो बैग जिसमें लिया था इसको देखा, नहीं है, मैं विचलित हो गया और मैं फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि 1 सेकंड में 2-3 फोन आता रहा, कहाँ गए हो तुम। बाद में किसी प्रकार की पता चला कि टिकट नहीं है, तो ये पूरा राष्ट्र हो गया, प्रचार हो गया, वो लोग आकर के मेरे को परेशान करने लगे। फिर मैं तुरंत गया उधर, सब कलेक्टर ने मेरे को बोला, मैं इलेक्शन कमीशनर को फ़ोन करने वाला था, कलेक्टर को भी फ़ोन किया, ये बोले तुम चीफ इलेक्शन कमीशनर को फ़ोन करने से भी कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, आप इंडिपेंडेंट सेटेक फाइल कर दीजिए। तब आधा घंटा समय था, इस बीच प्रशासन भी आकर के इधर पहुंच गया, लेकिन लोग पूरा निराशा में थे, गुस्से में थे। तब मैं तुरंत इंडिपेंडेंट सेट फाइल कर दिया। 2004 में आप विधायक रहे, 2009 में आप विधायक रहे, और आपके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा कि आपके अंदर कभी भी एक स्टेटस सिंबल नहीं आया, बल्कि आप पर्सनली साइकिल पर जाकर लोगों से बात करते रहे। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीति अवसर है, मौका है, और आपके लिए सेवा है। मुझे अभी अभी किसी ने आकर के बताया कि प्रताप भाई अब आप क्या खाते हैं। मैंने बोला जो खाता था वही खाता हूँ जी, नहीं अभी कुछ स्वतंत्र नहीं, क्या स्वतंत्र होगा। आपको कुछ याद आता है कि आप जैसा मंत्री बन गए हैं कोई स्वतंत्र आदमी बन गए? अरे मंत्री भी तो आदमी बनता है, आदमी होता है। अब मेरे घर में एक राकेश करके वो एबीवी का लीडर है, 3 दिन से आया है जी। वो जब मैंने चूड़ा और मुड़ी लाने के लिए बोला तो बोला मुझे को शर्म आता है, आप ऐसा मत बोलो, क्यों मंत्री होने के बाद ये सब खाना? मंत्री होने के बाद मैं यही सब खाता रहता हूँ जो इस देश की हर जनता खाता है, और इसमें मेरे को कोई अंतर नहीं मालूम होता है। मंत्री होने के बाद सब चेंज हो जाएगा इसका, हाँ ये मेरा व्यस्तता के कारण मैं सब गाँव में समय नहीं पाता हूँ, ये अलग बात है, ये एक बाध्यता है, लेकिन बाकी सब चीज़ में परिवर्तन होगा
इसका कोई कारण मुझे नहीं है। इस दौरान आप राजनीति के सफर में थे, चाहे विधायक से लीजिए या सांसद तक लीजिए, तब वहां पर धर्मांतरण को लेकर काफी मुद्दे उठे थे। उड़ीसा में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट करके एक आईन है, इस कानून के अनुसार हर धर्मांतरण जो उनकी सहमति के बिना होता है इसको इलीगल मानते हैं। ऑल कन्वर्जन थ्रू फ्रॉड फोर्स और एलियरमेंट आर इलीगल एंड सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। द कलेक्टर इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एवरी मंथ बाई 10th हाउ मेनी पर्सन्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर रिलीजन हैज बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स वेदर देयर विलिंगनेस हैज बीन रिकॉर्डेड। इफ द कलेक्टर डज नॉट डू इट, it will treat it as a misconduct, but this law has not been followed strictly. So illegal conversion took place, और धर्मांतरण के साथ साथ आस्था का भी रूपांतरण हो जाता है, इसलिए हमें धर्मांतरण की कोई परवाह नहीं है। अगर धर्मांतरण के साथ साथ कभी कभी देखते हैं इस राष्ट्र के साथ, इस हमारा आस्थायों के साथ जो संबंध था वो ढीला पड़ जाता है, इसलिए हम बहुत विचलित थे किस कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अपने गृह क्षेत्र में आपने सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर दिया, आदिवासियों के कल्याण के लिए दिया, तो ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? नहीं, बचपन से मैंने देखा जे कई परिवार विध्वस्त हो जाता है, कई पति दारू पी करके आकर के पिटाई करता है, पत्नी को निकल देते हैं। वैसे तो वनवासी परिवार में मैंने तो देखा कई पत्नियों को जला दिए जी, आज भी मैंने देखा। और मेरे को ये समझ में आया अगर पत्नी को शिक्षा मिली होती तो इंडिपेंडेंटली जीवन यापन कर सकते। और मैंने देखा कई बच्चा पहाड़ में, मैं जब जाता हूँ प्रतिदिन वो देखता हूँ, वो अच्छा आर्टिस्टिक टैलेंट उन्होंने पत्थर के ऊपर में लिख दिया है, लेकिन उनको एडुकेशन नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो उनका टैलेंट भी जनता जानती है। और स्वामी विवेकानंद ने इस देश में मास एजुकेशन का प्रवर्तक है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया इस देश में जब तक लोगों को शिक्षा यत्न नहीं मिल सकता है, प्रॉपर केयर नहीं मिल सकता है, देश का अभ्युत्थान असंभव है। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि इफ द माउंटेन डज नॉट कम टू मोहम्मद लेट मोहम्मद गो टू द माउंटेन। जी, उनका वक्तव्य का तात्पर्य था अगर शिक्षा के पास लोग नहीं आ सकते क्योंकि उनको खनी खादान में खेत में काम करना पड़ता है पेट भरने के लिए, तो शिक्षा को उनके पास ले जाना है। और मैं मानता हूँ यही देश का सबसे बड़ी जरूरत है कि लोगों को शिक्षित बनाना। जो नरेंद्र मोदी जी की जो DDU GKY प्रोग्राम के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे देश में चलता है, लेकिन इसकी जानकारी भी लोगों को दे करके उधर ले करके एडमिशन करना ये भी आज बहुत जरूरी है। जी, मेरा जीवन में भी यह पीड़ा है क्योंकि मैं बहुत पढ़ नहीं पाया, आर्थिक दुष्टिकरण सारा मेरा माता जी ने किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस दिशा में थोड़ा मदद करने से मेरे को भी आनंद मिलेगा। जब आपने संसद भवन में पहली बार वक्तव्य दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, आपके उस वक्तव्य की गूंज संसद से लेकर सड़क तक थी। हर कोई ये कह रहा था कि सड़ंगी जी इतनी भाषाएं कैसे जानते हैं। मैं टूटी फूटी हिंदी बोल देता हूँ, हिंदी पढ़ाई नहीं किया, संस्कृत में कोई विद्यालय में पढ़ा था, महाविद्यालय में कभी संस्कृत पढ़ा नहीं, वो थोड़ा सा बोलते बोलते हो गया। और बंगला तो मेरा पड़ोसी प्रदेश है, इसलिए बंगला में भी कभी कभी मैं कलकत्ता जाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, विवेकानंद के में जाता हूँ, वो सुनकर बोलते बोलते हो जाता है। मेरा मातृभाषा में पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, ये दो भाषा मैंने पढ़ा, बाकी जो तीन चार भाषा में बोलते बोलते अभ्यास हो गया है जी, इसलिए बहुत कठिन परिश्रम नहीं किया है। कौन सा ऐसा पल है आपके अब तक के जीवन में जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दी? क्लास 8 में मैं पढ़ रहा था, जितेंद्र नाथ बोस करके कोई एक सज्जन आए थे, उसके बाद उनके साथ मेरा संपर्क नहीं हुआ। वो पहली बार स्वामी विवेकानंद के ऊपर उन्होंने एक भाषण किया हमारे स्कूल में, और इस एक आकर्षक फैसिनेटिंग व्यक्तित्व की बारे में मेरे को जब सूचना मिला तो मैं इससे प्रेरित हो गया। स्वामी विवेकानंद को मैंने मेरा जीवन का मार्गदर्शक मान लिया जी। बाकी सारे संतों से मैं प्रेरणा लेता हूँ, लेकिन वो मेरा सेंट्रल इंस्पिरेशन विवेकानंद स्वामी है। 5 वर्ष की उम्र से आपके पिताजी के जाने के बाद आप सबसे ज्यादा जिनके करीब थे वो आपकी माता जी थी, और
आज भी कभी कभी आप अपनी माता जी की कविताएं गुनगुनाते, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप वो कविताएं गुनगुना दीजिए। मैं जब राजनीति में आने के लिए तैयार हुआ, वो मेरे को एक लंबी कविता बोली थी, जिसका पहला पंक्ति था, लंच ऋषि पत खाइबू नहीं, किरी किरी हस हसीबू नहीं, और बाकी याद नहीं है। और ये कौशल्या रोदन करके एक लंबी कविता सुना दी थी, जब रामचंद्र के वनवास के समय में कौशल्या माता ने बोली थी। वो इसको बोलते बोलते वो रोने लगती थी, और बाकी सारा वो छंद चौतीसा वो तो हरदम बोलती थी, स्कंद पुराण पूरा कंठस्थ था उनका। एक दिन मैंने देखा वो पुराण लेकर के गांव को चलती, मैंने बोला तुम इतनी उम्र में चल नहीं सकती, वो क्यों जाती हो? बोले नया नया शादी हुआ, वो बहु लोग हमारे घर पर नहीं आ सकते, और इसलिए मैं जाती थी। वो बोलते कि तुम आओ और सुनाओ। माता जी 2015 दिसंबर 26 में उनका निधन हुआ, और मैं माता जी को बहुत मिस करता हूँ, वो मेरा सब कुछ था। अब वापस आते हैं व्यक्तिगत जीवन से, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपके मंत्रालय को लेकर। अभी तो शुरुआत हुई है, अंजाम अभी बाकी है, आपके मंत्रालय का अभी क्या टारगेट है, आप अभी क्या टारगेट कर रहे हैं, और अगले साल और आने वाले 4 वर्षों के लिए क्या प्लान है? हमारे ये जो एमएसएमई मंत्रालय है जी, ये एग्रीकल्चर के बाद देश के सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है जी। अभी हमारा देश में हमारा जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 30% है, और एक्सपोर्ट में लगभग 45% है। हम इसको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन को 50% तक लेना हमारा लक्ष्य है, और इसके लिए हमको ग्रामीण उद्योगों के ऊपर बहुत जोर देना पड़ेगा। और जो उद्योग जो इसलिए उनको कुछ इंसेंटिव दिया है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत हम इनको ये देते हैं, और रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए हम कुछ उनको कंसेशन देते हैं। जैसा कि जो उद्योग स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है, हम किसको स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री मानते हैं, जो बैंक का किस्ती यानी इंस्टॉलमेंट 1 महीना तक नहीं दे सकता है, उनका अकाउंट को हम देखते हैं तो एक्सटेंडेड अकाउंट होने के बावजूद वो नहीं दिया तो उनको हम स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री मानते हैं। इसके लिए खूब करेक्टिव मेजर दे करके उनको कैसे अपने पैर पर खड़ा होना, इसके लिए रिजर्व बैंक का जो हिसाब है इसके लिए हम कोशिश करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको फ्रेश लोन दे करके, उनको कुछ टेक्निकल एडवाइस दे करके उनको आगे उठाना, इसके लिए एक व्यवस्था तंत्र है, एक कमिटी है जी। जो कमिटी इसको देखेगा और रिजर्व बैंक को सूचित करेगा, एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट के हिसाब से, ट्रस्ट के फंड से उनको मदद किया जा सके। फिर हम देखें जो 2 महीने तक नहीं दे सकता है, 60 डेज तक, इनको हम कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे इसकी बारे में सोचेंगे, अगर इसको भी अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ फिनेंशियल मदद दिया जा सकता है, कुछ टेक्निकल एडवाइस दिया जा सकता है, और उनका मार्केटिंग एक्सेस कैसे हो। ये तो एमएसएमई की बातें हुई, एमएसएमई का। और अगर एनिमल हस्बेंड्री में आप फिशरीज देख रहे हैं, बोलता हूं, अगर वो 90 डेज तक नहीं दे सकता है तो रिकवरी के लिए हम विचार करेंगे। अच्छा, इसलिए हमने एक कंसेशन दिया है कि 2020 मार्च 31 तारीख तक जी, किसी को हम एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे। अच्छा। और इस बीच में उनको रीऑर्गेनाइज करने की मदद करेंगे जी। और फिशरीज सेक्टर में सामान्य तो 2 प्रकार का था, जो मैरीन है और जो इनलैंड है, बाकी सारा ब्रैकिश वाटर जैसे कैच कल्चर इतना होता है। इस दिशा में टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हुआ है, लेकिन इनका यूनिवर्सलाइज नहीं हुआ है। एक संदीप करके एक लड़का आया था, हमने इनको पुरस्कृत किया, ये दिल्ली में कहीं एक कन्वेंशन हुआ था, उन्होंने 2.5 हेक्टर जमीन में एक साल में 41 लाख नेट प्रॉफिट किया है, उनका सारा पेपर्स दिया है। हम इसलिए हर प्रदेश में ये वर्कशॉप करते हैं, अभी उड़ीसा में भी होने वाला है जनवरी में, और ये सारे प्रदेश में होता है, कई 7-8 प्रदेश को मैं भी खुद गया, और इधर जो कंक्लेव होता है, जो वर्कशॉप होता है, हम साइंटिस्ट को बुलाते हैं, टेक्नोक्रेट्स को बुलाते हैं, और ये जो सफल मत्स्य चाषी उनको भी बुलाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, न केवल हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, कोई फार्मिंग करने वाला भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उनका टेक्नोलॉजी को हम लेंगे और इसको यूनिवर्सलाइज करेंगे,
और इधर जो लेबोरेटरी में जो टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है उनको ये अपनाएंगे, ऐसा हमारा नॉलेज शेयर करके हम देश को आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमारा चासी, हमारा जो किसान, ये अगर 2.5 हेक्टर में 41 लाख प्रॉफिट किया, 1 हेक्टर में अगर 1 एकड़ में अगर वो 7-8 लाख प्रॉफिट करता है तो उनको नौकरी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होता है जी। इसलिए ये बहुत बड़ा अपार संभावना का क्षेत्र है फिशरी। और इसके इसमें भी फिश का जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लेकर के, हमारा कोल्ड चेन बहुत कम है, प्रोसेसिंग यूनिट बहुत कम है, इसको हम एक सीमा तक बढ़ाएंगे और जिसके द्वारा उनका प्रोडक्ट्स वो नष्ट नहीं होगा और इसका गुणवत्ता विश्व स्तर के करने से इसको हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करके इसको मार्केटिंग करने से इंटरनेशनल मार्केट में हमारा देश को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। और जो समुद्री क्षेत्र है इसमें 12 नटिकल माइल तक राज्यों का अधिकार होता है, राज्य इसके लिए कानून बनाता है, 200 नटिकल माइल तक केंद्र का, 12 से 200 तक केंद्र का अधिकार होता है। लेकिन केंद्र ने इसके लिए पहले से कोई कानून नहीं बनाया था, वो अपने आप में जाते थे और 200 नटिकल माइल से आगे वो इंटरनेशनल कानून के अनुसार चलता है। इस बार हम इस विषय में कानून बनाने वाले हैं जैसे कि इस क्षेत्र में सारे हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी विदेश राष्ट्र की वो मछुआरों के साथ हमारा भी संघर्ष हो जाता है, कभी कभी हमारा मछुआरों को पकड़ लेते हैं, इसलिए इसके पूरा कानूनी प्रबंध करेंगे। और कैसे उनको मालूम पड़ेगा कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, नेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, इसके लिए भी हम सारा सेंसर लगाएंगे और इसकी पूरा प्रारूप प्रस्तुत हो गया है। आप सरल हृदय हैं, सादगी से भरपूर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपना आइडल मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। और बहुत समय से एक कुछ पंक्तियां थी जो मैं हमेशा से आपके लिए कहना चाहती थी, तो आज ही मैं मौका नहीं खोऊंगी। अवे विद लेजी लिविंग, कीप्स द बॉडी प्योर, रिजॉर्ट टू नोबल कंडक्ट, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, बी ऑनेस्ट एंड बी पेशेंट इन डीलिंग एवरी डे, सिंपल लाइफ एंड सिंप्लिसिटी विल सिंप्लीफाई द वे। मुझे लगता है कि आप वो सटीक व्यक्ति हैं जिनके लिए ये पंक्तियां हैं, क्योंकि आपकी सादगी ने सब पर असर डाला है। और अगर राजनेता ऐसे होंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद सड़ंगी जी हमारे साथ शामिल होने के लिए।